हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य सोनन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, आज उसके 42वें टेस्ट के अंदर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 से है। आज अपने कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनके विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 5 है, इसको देखिएगा। तो संसद के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये दे रखा था, उच्चतम न्यायालय ये अपने देख चुके हैं। हम कर रहे हैं राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अंदर आज अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पूरा वीडियो देखना है तो वो भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको दे दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है, राज्यों की विधायिका में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन है हमारे पास में, विधान परिषद है, राज्यपाल है, या विधानसभा एवं विधान परिषद है, विधानसभा एवं राज्यपाल है, या फिर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। दोस्तों, यहाँ हमें बताना है केवल तीन से ही है, दो व तीन दोनों ही है, तीन व चार दोनों है, या फिर केवल चार से ही है। दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, राज्यों की विधायिका में शामिल है, क्या शामिल होगा दोस्तों? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी 3 व 4, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। दोस्तों, जहाँ पर राज्यपाल है और उसके साथ साथ विधानसभा है, राज्यपाल और विधानसभा है, जहाँ केवल विधानसभा है वहाँ ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों, तो कहा भी क्या गया है कि विधायिका में क्या क्या शामिल है, तो ये बात हमारी सही हो जाती है। अगर विधानसभा है तो वहाँ राज्यपाल भी है, तो राज्यपाल और विधानसभा जो है वो दोनों मिलकर के विधायिका का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई, ये दोनों तो है ही है, लेकिन जहाँ विधान परिषद है तो वो भी इसमें शामिल कर ली जाती है। वहाँ पर एक तीसरा अंग और आ गया जिसे अपने विधान परिषद कहते हैं, जो राज्यसभा की तरह ही एक उच्च सदन होता है जिसके अपने कुछ अधिकार हैं। दोस्तों, उसके बाद अपने अगले वीडियो में देखेंगे, अगले टेस्ट में ये विधानसभा, विधान परिषद सारे प्रश्नों को अपने देखने वाले हैं। तो चलिएगा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। हमने कहा जो विधान पालिकाएं हैं राज्य के अंदर, उनमें से उच्च स्थान किसका है? विधान पालिका परिषद का है, विधान पालिका समिति का है, राज्यपाल का कार्यकाल है, या इनमें से कोई भी नहीं है। दोस्तों, क्या है, कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 नंबर, यानी विधान पालिका परिषद। कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है दोस्तों, ये विधान परिषद ही है, विधान परिषद कहिएगा चाहे विधान पालिका परिषद कहिएगा, दोनों एक ही बात है। निम्न सदन होता है विधानसभा और उच्च सदन होता है विधान परिषद। अगर कहीं है तो, अगर किसी राज्य में नहीं है तो फिर उसमें एक सदन ही होता है। कोई राज्य एक सदन वाला भी हो सकता है, कोई राज्य दो सदन वाला भी हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पहले खुल जाए तो क्या होगा, यानी उसका पता चल जाए तो क्या होगा। दोस्तों, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, या सारे कार्य होंगे। हमने कहा कि बजट जो है वो पूरा स्थापित होना है विधानसभा में, लेकिन उससे पहले खुल गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिएगा जब ये पद और गोपनीयता की शपथ लेता है तो उसको भंग कर दिया, तो ये इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, इसलिए वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। दोस्तों, ये बात हमारी सही है। तीसरी बात, बात करते हैं चौथे प्रश्न की, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें बताना है ये जो चार विकल्प हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य है, 163 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, 164 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है, 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन के विषय में है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं दिया गया है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित बातें की गई हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। दोस्तों, कौन करता है, राज्यपाल करता है, राज्य विधानमंडल करता है, राष्ट्रपति करता है, या फिर संसद करती है, कौन करता है। दोस्तों,
मुख्यमंत्री और भी अपने ले सकते हैं, मंत्री परिषद वगैरह, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, कौन करेगा? हमारा सही आंसर है राज्य विधानमंडल जो होता है वही इसको निर्धारित करता है दोस्तों। आई होप ये आंसर सभी का सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? हमें बताना है इनमें से कौन सी जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास में नहीं है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन सा नहीं है, यानी कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है, क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। अब यहाँ इसको एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि समझ जाएं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। राज्यपाल किसको मंत्री बनाएगा? उन्हीं लोगों को मंत्री बनाएगा जिनका सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। यानी मंत्री कौन बनेंगे? वही मंत्री बनेंगे जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल को करता है, एक बार। दूसरी, अब एक बार मंत्री बना दिए गए तो उनके विभागों में फेरबदल कौन करेगा? वो भी मुख्यमंत्री करता है। अब तीसरी बात कि विधानसभा को विघटित करने को कौन कह सकता है? मुख्यमंत्री कह सकता है, राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने के लिए कह सकता है। और यहाँ हम बात करें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है क्या? नहीं करता ना, तो फिर ये आंसर हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यानी ये शक्ति हमारे पास में नहीं है दोस्तों, न्यायपालिका वाली शक्तियाँ इसके पास में नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 7वां हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है दोस्तों? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल? कौन दिलवाता है शपथ इनको दोस्तों? क्या इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलवाने का कार्य करता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 8वां हमारा प्रश्न है, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखने में आसान है लेकिन बहुत बार ये गलत हो जाता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? नियुक्त किया जाता है। कभी भी आए तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना, जो हमारे संविधान की भाषा है उससे इधर उधर अपने को नहीं होना होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 9वां हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय जब किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिले या बहुमत प्राप्त दल का कोई निश्चित नेता ही न हो तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करेगा? दोस्तों हमें ये बताना है, अपने विवेक से करेगा, राष्ट्रपति से सलाह करके करेगा, अनुच्छेद 169 का सहारा लेगा, या प्रधानमंत्री से सलाह करेगा, क्या होगा दोस्तों? दोस्तों स्थिति ये है कि जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जानी है उस समय या तो किसी दल को या गठबंधन को बहुमत ही नहीं मिला, अगर बहुमत उनको मिल भी गया है किसी एक दल को तो उनके पास में कोई निश्चित नेता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री के रूप में? इसका निर्णय कैसे होगा? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नंबर 1, वह अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 153, 161, 163 या फिर 165? क्या होगा दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 163। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? 163, अनुच्छेद 163 के अनुसार। बात करते हैं 11वें प्रश्न के, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है? कौन होता है दोस्तों? बड़ा आसान सा और बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो होगा विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा का तो होना ही चाहिए लेकिन विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, सदस्य होना जरूरी नहीं है दोस्तों। हमने कहा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बहुमत दल का नेता होना चाहिए, फिर चाहे वो विधानसभा से हो, चाहे फिर वो विधान परिषद से हो, या उस समय किसी भी सभा का सदस्य नहीं है फिर भी बन जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर उसको लेनी पड़ती है सदस्यता।
तो यहाँ पर कौन होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों, सामान्यतः अपनी बात कर रही हैं, सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, बाकी विधान परिषद में भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या कहा, सामान्यतः किसका नेता होता है, सामान्यतः अपने विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसको आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे अगर दोनों ऑप्शन में है तो। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री है जो मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 13वां हमारा प्रश्न है, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है? कौन है दोस्तों, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी, यानी दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर दो, यानी मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मंत्री परिषद शपथ लेती है पद की, गोपनीयता की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं, हमें ये बताना है मंत्रिपरिषद किस प्रकार की शपथ लेती है, यानी किस चीज की शपथ लेती है दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर तीन, यानी वो पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेती है मंत्रिपरिषद। बात करें अगले प्रश्न की, 15वां हमारा प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हमने बताना है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, किसके, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के, या विधानसभा के? वापस सुन लीजिएगा कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा विधानसभा, वो विधानसभा का उत्तरदायी होता है, जब तक वहां बहुमत है तभी तक सरकार चलती है दोस्तों। तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 16वां हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? ये चार ऑप्शन हमारे पास में है, अनुच्छेद हैं, इनमें से बताना है कि मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उनको परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया है, क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 167 अनुच्छेद नंबर तीन, सॉरी ऑप्शन नंबर तीन, यानी अनुच्छेद 167 के अंदर ये प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री के कार्यों को बताया गया है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, नाम सुना होगा आपने कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान में तो अब है भी, अभी तो नहीं है थे, और ये सारा विवाद आपने देखा भी होगा, तो हमें बताना है उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है, कैसे होता है? जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित होता है, स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है, उपरोक्त दोनों से, या कोई भी नहीं, क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है, और ये आपने राजस्थान की राजनीति में बखूबी देख लिया होगा, आप अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, राजनीतिक संतुष्टियों के लिए उप मुख्यमंत्री का वैसे कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। बात करते हैं 18वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, क्या होगा? वहां मंत्री परिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए लिए गए सभी निर्णय और विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें। यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद के समक्ष ऐसे मामलों को विचारक रखें जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, लेकिन जिस पर मंत्री परिषद में विचार नहीं किया गया है। राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों और विधायक प्रस्ताव के विषय में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों सारे आंसर, सारे जो ऑप्शन हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप सही आंसर निकाल पाएं। हमें बताना है निम्न में से मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर चार, यानी ये सारे के सारे जो हैं वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 19वां हमारा प्रश्न है, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है हमें बताना है, मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख बताना है हमें, कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है, सचिव मुख्यमंत्री होता है, या फिर राज्यपाल होता है दोस्तों, कौन होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडलीय सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। बात करें अगले प्रश्न की, राज्य के किस मुख्यमंत्री को का पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया था?
किसका हो गया था दोस्तों, हरिदेव जोशी का, मोहनलाल सुखाड़िया का, जय नारायण व्यास का, या फिर बरकतुल्ला खां का, किसका हुआ था दोस्तों? ये आपको याद करने होंगे। पहला दलित कौन था, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, किसका पद पर रहते हुए देखिए मृत्यु हो गई, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, इस प्रकार के फैक्ट के मुख्यमंत्री के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कुछ मिल भी जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वो है बरकतुल्ला खां। बात करें अगले प्रश्न की, किसवां हमारा प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों? 15%, 20%, 10% मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। पहले निश्चित नहीं था, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि राज्य मंत्री परिषद जो है उसमें मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम, तो उसका सही आंसर होगा 15%। यानी 15% जितने भी सीट हैं, जैसे 200 हैं राजस्थान में, तो 30 अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये अधिकतम संख्या, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं 22वें प्रश्न की, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ कौन दिलवाता है? मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य हैं उनको पद ग्रहण करने से पहले कौन शपथ दिलवाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उसको देखिए, राज्य का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति, कौन दिलवाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल ही है जो शपथ दिलवाने का कार्य करता है। प्रारूप 3 में देखिए इसको दिया गया है, आर्टिकल 3 से संबंधित है ये। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 23वां हमारा प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद में शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या फिर सारे ही होते हैं? हमें बताना है राज्य मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगर अपने बात करें मंत्री परिषद की, तो अगर हम कहें मंत्रिमंडल, तो देखिएगा मंत्रिमंडल की बात करें तो फिर उसमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के चलते हैं, जैसा केंद्र में होता है वैसा ही यहाँ पर भी होता है दोस्तों। बात करते हैं 24वें प्रश्न की, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद? विधानसभा के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के या सारों के ही है? क्या होगा सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न के 25वें प्रश्न की, जो आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, राज्य मंत्री परिषद, लोकसभा, मंत्री या फिर राज्यसभा करती है दोस्तों, कौन करता है? हमने कहा कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, नाम मात्र की कार्यपालिका अपने यहाँ भी मान करके चलते हैं, हालांकि राज्यपाल को थोड़े अधिकार इसमें अलग प्रकार के हैं, लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो इन शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो करता है राज्य मंत्री परिषद। राज्य के जो मंत्री परिषद हैं और मुख्यमंत्री हैं वो मिलकर के वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से। और भी आपके इसके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आप उनको देख लीजिएगा, जो डाटा के क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। कल जो 43वां टेस्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख कर सिलेबस पूरा कर सकते हैं, अन्यथा आपको बुक मैंने बता भी रखी है, किसी भी किताब में आप ये देखेंगे तो आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और लोगों को भी लाभ हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्लासेज आपको डेली मिलती रहती है। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों। पीडीएफ और अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है tulyars.in उसे लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।